हमारे मेम्बरान पार्लियामेंट खालिद साहब, राशिद कदरी साहब, आई नो आप शायद कल ही आए हैं और कल फिर वापस चले जाएंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी की वक्त आपने निकाला और मेरे तमाम दोस्त हैं, मैं कोशिश करूँगा सबका फर्दन फर्दन भी शुक्रिया अदा करूँ। हमारा हम तकरीबन 5 साल से यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ के जो वसाइल हैं, यहाँ जिस तरह से तमाम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो अपनी जितनी कैपेसिटी है वो तकरीबन उसके ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ जो वसाइल जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो उस तरह से नहीं है, और इसकी वजह से हम किसी बैक होम चैनल से कम्पीट कर नहीं सकते। काफ़ी अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि हम ऑफिशियली किसी अच्छे चैनल के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करें, और 2-3 चैनल से हमने नवाए वक्त का जो वक्त चैनल था उसके साथ कुछ अरसा किया सिलसिला, लेकिन उसके बाद राना रऊफ साहब भी तशरीफ रखते हैं, ये गोल्डन थॉट एक ज़बरदस्त इदारा है जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में मार्केटिंग के हवाले से काम कर रहा है, प्लस ये अलग टी वी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी पुरानी जो है मार्केटिंग से ताल्लुक है पाकिस्तान में, सब लोग उनके साथ हमारे रहना ताल्लुकात हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में था और कुछ जो अलिफ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मिलता हुआ हमें नज़र आया, तो अभी पिछले दिनों जब यहाँ पे आए थे मियाँ साहब इदरीस साहब तो उनसे मुलाकात हुई, लेकिन टोटल काम करने में ताल्लुक जो है वो जो है इनका है, इन्होंने इनके साथ जो है हमारी कोलैबोरेशन करवाई है। तो अब जो अलिफ टीवी के प्रोग्राम हैं वो ऑफिशियली हम यहाँ पे चला सकेंगे, और बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं वो, उस तरह से प्रोग्राम नहीं है जिसमें न्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो, वो थॉट के ऊपर मबनी प्रोग्राम है जिसकी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस कोलैबोरेशन में हम उनके प्रोग्राम भी चलाएंगे और अपने प्रोग्राम भी यहाँ से वहाँ भेजेंगे ताकि वो चला सकें, उसमें थोड़ा सा यहाँ का जो कैनेडियन प्रॉस्पेक्ट है वो भी वहाँ जाएगा, कुछ यहाँ के बिजनेसेस हैं वो भी वहाँ पे जाएंगे, तो एक छोटा सा एक प्रोमो हमने बनाया है पहले, तो वो मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।